मेरा नाम विजय है जी। क्या कहना चाहेंगे आज आप यहाँ पर? कहने के लिए छोड़ा क्या सरकार ने साढ़े को, छोड़िया क्या है, रोड पर ले आए ना, बच्चे भी आई है भिख मंगे बनाई रहे बहुत, और डूंगा दे दो भिख मंगे वाला तो मंगे, और जेड़े साढ़े पोलिटिशियन जम्मू के ने जेड़े साढ़े रहनुमा बंदे ने जिन्हें असें वोट पाए दा अज ओह कुत्थे ने, लोकें पर डांगा चला दी टेंट बच्चे बैठे इस गर्मी बिच, साड़ी माता भैन बच्चे सारे देखो छोटे छोटे बच्चे बैठे अज ओह कुत्थे ने, जेड़े बड़े कहंदे सी जम्मू 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 अज ओह कुत्थे है, और दविंदर राणा कुत्थे अज जेड़ा बड़ा करदा जम्मू 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 ओह कुत्थे गया जम्मू अज बंबू च, और पल्ला कुत्थे गया ओह कुत्थे अज केड़े पल्ले खाइए बैठे दा ओह हैं, और जतेंद्र सिंह कुत्थे गया, और दूआ शर्मा कुत्थे गया, सारे मरी गए थे भैन जी, वोट वोट इतने पाना वोट फुल नू पाना वोट, अज फुल कुत्थे गया, अज फुल नहीं है अज फूल बनाई ओड़े सानू बेवकूफ बनाई ओड़े जनता की, क्या क्या डिमांड रहेगी डिमांड सारे असें केह मंगना भुखे ने केह मंगना भुखे ने केह मंगना, अस तो यही कहने कि रोजगार जरा इंदा छीना दियो इंदे टिड्डा पर लत मारा दियो, कुछ मंगा दे इन्हें बेचारे तिनका तिनका करिए कुछ मंगन जा रहे हैं, पिछले वोट दिते उंदे घरों कख नहीं मंगन जा रहे हैं, आस्ते अपने घरू अपनी जिहड़ी है वह दियो सानू, और साढ़े कोलों पैसे लेके दियो साढ़े कोलों लोकें कोलों पैसे लैने साढ़े कोलों पैसे लेके रेगुलाइज करो, जिहड़े लीने दुनिया बैठी हुई है ये पागल लोग ने बैठे थे बच्चे ले लिए बैठे थे, ये देखो इधर इधर मारो कैमरा एक ये बच्चे बैठे दिन इनका की कसूर है, ये पढ़ने वाले बच्चे ने स्कूल जा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के ये जो इनकी धरने पे बैठे हैं अगर ये वेब माल को रेगुलाइज कर सकते हैं तो इन लोगों को क्यों नहीं कर सकते, छह बजे चार बजे के पहले बात आप गांधी नगर हुई है नानक नगर हुई है अगर वो एरिया हुआ है तो बठिंडी सुजमा ये क्यों नहीं हो सकता, यहाँ क्या यहाँ क्या हम लोग नहीं रहते, हम इनके बशिंदे इंडिया के बशिंदे नहीं है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले नहीं है, हम यहाँ बिजली के बिल हमने दिए पानी के बिल हमने दिए और हमें आज यहाँ से निकाला जा रहा है, हम कहाँ जाएंगे, यहाँ बच्चे माएँ बहनें सुबह से भूखे पानी बिस्किट के बैठ रहे हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती, एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म करनी चाहिए, ये पूरी ज़िंदगी लग जाती है इनको घर बनाने में, आपको शर्म नहीं आती इनके घर गिराने में, आज लोग रो रहे हैं जो जम्मू 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 करता था वो कहाँ पे है, जम्मू जम्मू उस वक्त बड़ा वो पल्ले खा के जम्मू जम्मू करता था आज कहाँ है, आज उसको आना चाहिए, जब वो वोट मांगता था वो यहाँ आता था, आज क्यों नहीं आ रहा वो सामने, आज इन लोगों के दर्द क्यों नहीं दिख रहे उसको, ये लोग कहाँ जाएंगे, माएँ परेशान हैं बच्चे परेशान हैं, कभी आप रूपनगर में टेंट लगवाए हुए हैं अब वेमाल के सामने हम टेंट ला कर कहाँ तक बैठेंगे, रमज़ान आ रहा है कितने लोग कहाँ तो यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे, भूखे ही मर जाएंगे हम लोग यहाँ जब तक ये लोग इस ज़मीनों को रेगुलाइज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, ये जम्मू जम्मू करने वाले तो दे दिया गया है कल दो दिन से क्या होता और है? दो दिन से क्या होता है जनाब, आप हमें इन चीज जो हमारे घर गिराए हैं उस चीज का मुआवजा दिया जाए और हमें कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि आपके आगे घर से नहीं गिरेंगे, हमें क्या पता हम कल रात को सोए तो फिर आकर आधे दो चार घर और गिरा दें तो क्या करेंगे, घर के अंदर लाखों का सामान होता है, फ्रिज टीवियाँ लोगों के लाखों के सामान है, तोड़ के चले जाते हैं ना कोई नोटिस आता है, चोरों की तरह आते हैं चोरों की तरह जाते हैं, ये इनको देखना चाहिए, इन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है, हमने अगर बीजेपी सेंटर में है तो उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन साहब हैं उनको लेना चाहिए, हम लोगों को रुला कर आपको क्या मिलेगा, यहाँ दुख से बच्चे आप देख सकते हो माएँ रो रही हैं, यहाँ दुख पढ़ने जाएंगे स्कूल बच्चे पढ़ने जाएंगे, यहाँ पर मेरे भाई छोटे पढ़ेंगे या यहाँ पे हम धरने देंगे, हमें शर्म आनी चाहिए इस गवर्नमेंट को, हम यहाँ धरने देंगे, हम स्कूल जाएं कालजू जाएं यहाँ धरने देंगे, हमारा यहाँ एक ही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही की रिक्वेस्ट है आप इसमें इंटरवीन करें, हमारा ये मामला है इसको हल करें विद इन डेज में हल करें, जब तक रमज़ान आता उससे पहले हमें कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि आप आपके कोई नहीं गिराए जाएंगे, इस जो गिराया है उसके मुआवजे दिए जाएंगे, आप यहाँ अपोलो हॉस्पिटल और बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाकर क्या करोगे, जब हज़ारों के हिसाब से आप यहाँ से लोगों को बेघर करोगे तो क्या करोगे हॉस्पिटल बनाकर, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, 1952 की गिरदावरी है इन लोगों की 2008 तक रही है, आप गिरदावरियाँ काट कर आप कह रहे हैं उनके पास कागज़ पत्र नहीं है, अब ये नहीं है अब वो नहीं है, अब हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से सीधा रिक्वेस्ट है इनको रेगुलाइज किया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए ताकि ये लोग यहाँ भूखे प्यासे ना मरें, ये अपने घर में जाएं, आप हमें भीख मांगने वाला बना दिया आपने, कटोरा पकड़ हम कहाँ जाएंगे, शुक्रिया।